अब वो दिन दूर नहीं जब आप गोलगप्पे की दुकान पर, कपड़े की दुकान पर, पेट्रोल पंप पर डिजिटल करेंसी से पेमेंट करते नजर आएंगे। आने वाले दिनों में भारत अपना डिजिटल रुपया लॉन्च कर सकता है। आरबीआई ने डिजिटल रुपये पर कॉन्सेप्ट नोट जारी किया है। आरबीआई पिछले कई महीनों से डिजिटल रुपये के फ्रेमवर्क पर काम कर रहा है। अब आरबीआई जल्द ही डिजिटल रुपये पर पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला है। ये पायलट प्रोजेक्ट डिजिटल रुपये के कुछ खास इस्तेमाल के लिए शुरू किया जाएगा। इस पायलट प्रोजेक्ट का मकसद जनता को सामान्य रूप से डिजिटल करेंसी और डिजिटल रुपये की खासियत के बारे में बताना है, साथ ही डिजिटल रुपये को लेकर जनता को जागरूक करना है। इस साल बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिजिटल रुपया लॉन्च करने का ऐलान किया था। इंट्रोडक्शन ऑफ अ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी विल गिव अ बूस्ट, अ बिग बूस्ट टू डिजिटल इकोनॉमी। डिजिटल करेंसी विल ऑल्सो लीड टू अ मोर एफिशियंट एंड चीपर करेंसी मैनेजमेंट सिस्टम। इट इज देयरफॉर प्रपोज्ड टू इंट्रोड्यूस डिजिटल रुपी यूजिंग ब्लॉकचेन एंड अदर टेक्नोलॉजीज टू बी इश्यूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टार्टिंग 2022 and 2023। डिजिटल करेंसी नोटों की तरह नहीं होती है, सिर्फ कंप्यूटर पर ही दिखाई देती है, सीधे आपकी जेब में नहीं आती। डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में सबसे बड़ा अंतर यह होता है कि डिजिटल करेंसी किसी देश का सेंट्रल बैंक जारी करता है, जबकि क्रिप्टो करेंसी आज मुद्रा है जिसका कोई मालिक नहीं होता। ये करेंसी किसी भी एक अथॉरिटी के काबू में नहीं होती। यही वजह है कि क्रिप्टो करेंसी के भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं। भारत में अभी क्रिप्टो करेंसी ना तो वैध है और ना ही अवैध, हालांकि सरकार क्रिप्टो करेंसी पर बिल लाने की तैयारी कर रही है। इसके बाद ही भारत में क्रिप्टो करेंसी का भविष्य तय हो पाएगा, लेकिन ये तय है कि भारत अपनी डिजिटल करेंसी लाने की तैयारी कर चुका है। वैसे भी आने वाला जमाना डिजिटल मुद्रा का ही होगा। डिजिटल करेंसी के अपने फायदे हैं। पहला, डिजिटल करेंसी में धोखाधड़ी की उम्मीद ना के बराबर है। दूसरा, डिजिटल करेंसी से ऑनलाइन खरीदारी, पैसे का लेन देन आसान होगा। तीसरा, डिजिटल करेंसी से ब्लैक इकोनॉमी को खत्म किया जा सकता है। और चौथा, डिजिटल करेंसी सरकार को सस्ती पड़ती है। ऐसा नहीं है कि डिजिटल करेंसी के सिर्फ फायदे ही फायदे हैं, इसका थोड़ा नुकसान भी है। डिजिटल करेंसी आने के बाद बैंक कर्मचारियों को नुकसान हुआ है। डिजिटल करेंसी आने के बाद से बैंक में कर्मचारियों की संख्या कम हो सकती है। ज्यादातर चीजें बैंक में इलेक्ट्रॉनिक हो चुकी हैं, इसलिए बैंकों में कर्मचारियों की भर्ती भी कम निकल सकती है। जो लोग बैंक सेक्टर में जॉब करते हैं उनको कहीं ना कहीं अपनी जॉब को लेकर असुरक्षा महसूस हो सकती है। हालांकि डिजिटल करेंसी का ऐसा कोई भी बड़ा नुकसान नहीं है, बस बैंक क्षेत्र में जॉब करने वालों के लिए ये एक थोड़ी समस्या जरूर हो सकती है। आज दुनिया के बड़े बड़े देश डिजिटल करेंसी लाने पर काम कर रहे हैं। इसमें अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड किंगडम शामिल है। इसके अलावा जापान, स्वीडन, चीन, बहामास, ट्यूनिशिया और इक्वाडोर ऐसे देश हैं जहाँ डिजिटल करेंसी में लेन देन शुरू हो चुका है। इसका मतलब साफ है कि डिजिटल जमाने में करेंसी भी डिजिटल होगी। आपकी और हमारी जेब में नोट नहीं होंगे, लेन देन भी डिजिटल करेंसी में ही होगा।